Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Wa dhakir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahu al-Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Mere muazzaz musalman buzurgo, aziz bhaiyo, baat zyada taweel nahi hogi. Thodi si baat arz karta hoon. Bhai Moiz ne हम सभी को अपनी मोहब्बत में और अपने वालिद महरूम के सिलसिले में कि उनके लिए कोई खैर के तज़किरे, कोई नेकी हो जाए और उनकी वो ज़िंदगी उसमें और बहार आ जाए, हम सबको इकट्ठा फरमाया है. इनके वालिद एक जुमला तो ये ना कि मर गए. बस औकात ये तबीयत पर भारी लगता है, मौत का तज़किरा. और एक दूसरा लफ्ज है अपने घर गए, अपने घर गए. हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे थे अब्दुल्ला. एक शख्स आकर कहने लगे, अब्दुल्ला बेटे पता है तेरे अब्बा कहाँ गए? सारी जिंदगी तो उनका ख्याल करता, वो राहत ना दे पाता दुनिया, आज राहत मिल रही है. और अगर वो तेरे पास होते और तेरा ख्याल रखते तो तुझे वो ना दे पाते जो सब्र करने पर जुदाई पर अल्लाह तुझे दे रहा. हमारे यहाँ तो इस शिफ्टिंग का ये तसव्वुर है. हमारे यहाँ तो यहाँ से मुंतकिल होने का ये तसव्वुर है कि जाने वाले का भी घाटा कोई नहीं, रह जाने वाला कभी नुकसान कोई नहीं, बस अल्लाह जिंदगी वो दे दे भाई. फिर जाना भी घाटे की बात कोई नहीं, रहना भी नुकसान की बात कोई नहीं, बस जिंदगी वो मिल जाए. किसी ने पूछा ना वो क्यों गया है, तो बताने वाले ने सच कहा कि इसलिए गया कि पैदा जो हुआ, इसलिए कि जो पैदा है उसने जाना है. बाकी तो सब बहाने हैं ना, कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया. सच क्या है कि पैदा जो हुआ है जाने के लिए, और अजीब ही नक्शा होता है. बल्कि आपने तो अभी चंद दिन पहले आपका एक बिल्डर साथी, हाँ, जोहर के टाइम तकरीबन उसको हार्ट अटैक हुआ, मगरिब तक चला गया. बीमार तो कोई नहीं था, बूढ़ा भी कोई नहीं था, बीमार भी कोई नहीं था, बूढ़ा भी कोई नहीं था, लेकिन वो घड़ी पूरी हो गई जिस घड़ी को लेकर वो दुनिया में आया था. ये तो सच है ना. और मेरे अजीजों कसम खुदा की इतना बड़ा सच है ना ये. लेकिन जितनी इस सच से गफलत है शायद ही किसी सच से गफलत हो. इतना बड़ा सच है, शायद इससे बड़ा कोई सच नहीं. लेकिन जितनी इससे गफलत है शायद ही किसी चीज से हो. आंखों के सामने देखते हैं, बनाता है, रहता कोई और है. इतने अरमानों से बनाता है और दुनिया उसे कंधे पे उठा के उसे रवाना कर देती है. तिजोरियां भरता है, दुनिया देखती है, इस्तेमाल कोई और करता है. इकट्ठा ये करता है, काम किसी और के आता है. इतना बड़ा सच है और इतने नक्शे हैं मेरे और आपकी आंखों के सामने. इतने नक्शे हैं, लेकिन शायद गफलत भी ऐसी है कि जैसे मैंने यहां से शिफ्टिंग, मैंने शिफ्ट होना ही नहीं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, अकलमंद लोग कौन हैं जिन्हें कहकर आदमी कहे हाँ ये बड़ा अकलमंद आदमी है, और जिसे देखकर आदमी का ये बाकी दूरंदेश है, और जिसे देखकर कहे कोई आदमी के बाकी रोशन ख्याल है, कौन लोग अकलमंद हैं? या रसूलल्लाह, मन अय कसन नास वहजमुन नास, कौन लोग अकलमंद हैं?
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے اکثرهم ذکر للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره, جو اس دنیا کے محدود زندگی میں وقت گزار رہا ہوتا ہے لیکن جہاں کھربوں سال رہنا ہے اس کی تعمیر کر رہا ہو. کیا بات ہے, جو اس محدود زندگی میں رات گزار رہا ہو لیکن کھربوں سال کی زندگی کی تعمیر کر رہا ہو, یہ بڑا عقل مند ہے, روشن خیال ہے, اچھی پلاننگ کی ہے زندگی کی, بڑا دور اندیش ہے, یہ واقعی دور اندیش ہے. پل کی تو خبر کوئی نہیں نا, فضا میں رکھا چراغ ایک جھونکے کی دیر ہے, بس اوقات موت کے تذکرے اچھے بھی نہیں لگتے. لیکن یہ میں نے پہلے عرض کر دیا, موت نہیں شفٹنگ, موت نہیں گھر جانا, موت نہیں اپنے وطن جانا. جانا تو ہے, ایک نوجوان تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے, اس نوجوان نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے, کہا بیٹے تیرا جنازہ ہے. برا لگا, پیشانی پہ بل آ گیا, طبیعت پہ بوجھ, سمجھ گئے حضرت, کہا بیٹے تیرا نہیں تو میرا صحیح نا, بتانے والا گیا ہے کل ان کندھوں کی سواری پہ تو نے بھی سفر کرنا ہے. يا صاحبي لا تغترر بتنعمي فإن النعيم يزول والعمر ينفض وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. اے میرے دوست کس دھوکے میں ہے, یہ جوانی گئی, یہ صحت گئی, یہ جوانی گئی, یہ صحت گئی, یہ حسن گیا, یہ جیب خالی ہوئی, کمر جھکتی ہے میرے عزیزو, گھٹنوں میں درد ہوا کرتا ہے, جیب خالی ہو جایا کرتی ہے, جانا پڑتا ہے, نہ بھی جائے دنیا لے جاتی ہے. یا صاحب لا تغترر بتنعمی, اے میرے دوست دھوکے میں نہ رہنا, یہ اسٹیٹس ہمیشہ نہیں رہتا بھائی, یہ عہدے منصب ہمیشہ نہیں رہتے. ارے میرے عزیزو, یہ حسن ہمیشہ نہیں رہتا, یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں رہتی, یہ اعصاب کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی, کمر جھک جایا کرتی ہے, گھٹنوں میں درد ہو جایا کرتا ہے, دانت گر جایا کرتے ہیں, دماغ شل ہو جایا کرتا ہے, یہ جیبیں خالی ہو جایا کرتی ہیں. یا صاحب لا تغترر بتنعمی فإن النعيم يزول والعمر ينفض, یہ زندگی کا چراغ بھی بجھا کرتا ہے, یہ زندگی کا چراغ بھی بجھا کرتا ہے. اور جب تم کسی کو دیکھو کہ اپنے گھر جا رہا ہے اور اپنے اصلی سفر کی طرف روانہ ہے, تو ایک لمحے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح, اس سفر پہ کل تم نے بھی روانہ ہونا ہے, یہ جانے کی جگہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کائنات کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے دور اندیش اور میرے اور آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. ارے زندگی ہے تو وہ ہے نا بھائی, جہاں بڑھاپا کوئی نہیں, جہاں بڑھاپا کوئی نہیں, جہاں موت کو بھی موت آنی ہے نا بھائی. ایک نوجوان نے گھر بنایا اور بڑا شہانہ گھر بنایا, دنیا کو شوق ہوتا ہے گھر بنائے اور پھر لوگ تعریف بھی کرے, شوق ہوتا ہے نا, گھر ایسا بنائے کہ دنیا دیکھے اور دنیا تعریف کرے. گھر بنایا اور ہر چیز ہی بڑھیا لگائی. ایک بوڑھا نوجوان آیا, لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے, کمر جھکی ہوئی, سر کے بال سفید, دل کی آنکھوں کی بینائی کمزور, دل کی آنکھیں بڑی تیز تھی. سبھی اس نوجوان کی تعریف کر رہے تھے, یہ بڑے میاں بڑے خیر خائی سے آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹے تیرا گھر خوب ہے اور ہر چیز ہی اچھی ہے اور بہت ہی بڑھیا ہے, لیکن بیٹے اس میں دو خامیاں بھی ہیں. اب جوان ہے, گرم خون ہے, ہڈیوں میں گودا ہے, جیب میں پیسہ ہے, بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی, بس اوقات بوڑھے ماں باپ کی بات برداشت نہیں ہوتی. نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے, آپ کو میرے گھر میں کون سی خامی نظر آ گئی. تحمل سے بڑی میاں کہنے لگے بیٹے تیرے خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں اس میں دو خامیاں ہیں. تیز لہجے میں کہنے لگا بتائیے نا کون سی خامیاں ہیں. کہنے لگے بیٹے اس سے خامیاں یہ, نہ مکان پائیدار ہے, نہ مکان کا رہنے والا مکین پائیدار ہے, نہ یہ زندگی رہنے ہمیشہ کی ہے, نہ یہ گھر ہمیشہ کا. وہ نوجوان ضدی نہیں تھا, نہ واقف تھا,
सीने में दिल था पत्थर नहीं भाई, पिघल गया। सीने में दिल था पत्थर नहीं, पिघल गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। बस औकात मेरे सीने का दिल, पता नहीं दिल भी रहा नहीं, कंधे पे रखता हूं, कब्र में रखता हूं, और लेकिन दिल है मजाले असर ने, मदाल है अंदर, इसके अंदर कोई रिक्कत पैदा हो। सीने का दिल है पत्थर है, इतना भी तो सख्त नहीं होता भाई, इतना भी तो पत्थर दिल नहीं हुआ करता। वो नौजवान के सीने में दिल था पत्थर नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए। बड़े मियां से कहना कि बड़े मियां मुझसे गलती हो गई, कोई ऐसा घर बताइए ना, मेरी मदद कीजिए ना, घर भी पायदार हो, घर वाला भी पायदार हो, रिहाइश भी हमेशा की, रिहाइशी भी हमेशा का। बड़ी अमिया मैंने कहने के बेटे मैं उसकी चंद सोसाइटियों के नक्शे देता हूँ, आप नक्शों से खूब आगे पे ना। कहा बेटे चंद नक्शे दिखाता, जहां की जिंदगी भी पायदार, जिंदगी की रहाइश भी पायदार, और फिर सोसाइटी के नक्शे दिखाए। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا بيت ایک نقشہ اور بھی ہے إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم بيت ایک تصویر اور بھی ہے فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى بیٹے یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں کا حسن پائیدار جہاں کا شباب پائیدار جہاں کی صحت پائیدار جہاں کی نعمتیں پائیدار اور سب سے بڑھ کر جہاں کی زندگی پائیدار تو دور اندیش ہے نا وہ وہ روشن خیال ہے اور دور کی نظر رکھتا ہے زندگی کی شاندار پلاننگ کرتا ہے ساڑھ ستر سال کے لیے محنت تو کرتا ہے کھربوں سال کی زندگی کی تعمیر کرتا ہے یہ عقل مند ہے یہ دور اندیش ہے میرے عزیزو دنیا میں تو سب کھاتے ہیں نا بھائی اللہ والی بھی کھاتے ہیں اور اللہ کے دشمن بھی کھاتے پیتے ہیں سب ہی کھاتے ہیں یاد فرما بردار بھی کھاتا ہے نافرمان بھی کھاتا ہے سب ہی یا تو کھاتے ہیں لیکن میرے عزیزو کل یہ اندھیر نگری نہیں ہیں افنجال المسلمین اکل مجرمین مالکم کیف تحکمون کیا فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ کل ایک جیسا سلوک ہوگا نہیں کل ایسا نہیں ہوگا کل ایسا اس لیے کہ کل کامیابی ناکامی کا نام ہے دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا اور کوئی ناکام نہیں ہوتا یہاں کیا ہے یہاں تو سب امتحان دے رہے ہیں پیپر دے رہے ہیں کوئی کچے اسکول میں جا رہا ہے کوئی پکے اسکول میں جا رہا ہے کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے کوئی کار پہ جا رہا ہے کسی نے زرق برق پہنے ہوئی ہیں کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئی ہیں لیکن صرف امتحان گاہ کو دیکھ کر امتحان دینے والی کے حالت دیکھ کر کوئی کامیاب ناکام نہیں کہتا کیا کہتا ہے میاں نتیجہ آئے گا تو پتہ لگے گا نتیجہ آئے گا تو پتہ لگے گا تو میرے عزیزو یہاں پیپر چل رہا ہے کوئی جھونپڑی میں دے رہا ہے کوئی کوٹھی میں دے رہا ہے کوئی سائیکل پہ ہے کوئی کار پہ ہے کسی کے دسترخان پہ کھانے کہیں فاقہ ہے ہے سب امتحان گاہ میں یہ کامیابی ناکامی نہیں وہ تو آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا میاں ریزلٹ کس کا اچھا ہے کس نے اپنا کیریئر بنایا ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آج ہم اپنے بچوں سے بارے میں کہتے ہیں بیٹے پڑھ لو کیریئر بن جائے گا کتنا بڑا دھوکہ ہے ارے میاں ساٹھ ستر اسی سال کیریئر نہیں ہوتا کیریئر بنانے کے لیے میرے نبی نے بتایا ہے یہ کیریئر بنانے کے لیے ہے یہ امتحان گاہ ہے یہاں کوئی کامیاب ناکام نہیں یہ کہہ دیا میاں بڑا خوش نصیب ہے دکان سے فیکٹری میں چلا گیا جھونپڑی سے کوٹھی میں چلا گیا اورنگی ٹاؤن سے ڈیفنس میں آ گیا خوش نصیب نا میرے عزیزو فرق یہ ہے کہ پہلے جھونپڑی میں امتحان دے رہا تھا اب کوٹھی میں دے رہا پہلے سائیکل پہ تھا اب کار میں آ گیا ہے پیپر کا سلسلہ
आंख बंद होगी ना, फिर रिजल्ट आउट हो। एक किताब अब पढ़ ले मियां, अब ये तेरा रिजल्ट है। अब है कौन कामयाब कौन नाकाम। दुनिया में कोई कामयाबी नाकामी नहीं। जब कैरियर शुरू होगा फिर पता लगेगा। काफरों के यहां 60-70 साल का कैरियर होता है, इसलिए कि उनके बाद उसके बाद की जिंदगी नहीं। उनके यहां 80-90 साल का कैरियर कैरियर होता है, फिर जिंदगी नहीं है। मुसलमान के यहां ये कैरियर नहीं होता। अगर इसी का नाम कैरियर होता तो मेरे नबी खजाने लूट लेते। मक्का से क्या जरूरत थी भूख की हालत में मदीना जाने की। मातों ने स्टेटस भी मिल रहा था, चुदराहट भी मिल रही थी, दौलत भी मिल रही थी, और सारी दुनिया का हुसन भी वो कदमों में ला रहे थे। कैरियर ये नहीं है। कैरियर तो आंख बंद होने के बाद शुरू होगी। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चों और बच्चियों की और अपने घरों की जिंदगी में इधर उस कैरियर को भी सामने रखे करें। अच्छा खिला रहा अल्लाह, और लाखों करोड़ों से ज्यादा बेहतर खिला रहा है ना, लाखों करोड़ों से अच्छा रखा हुआ है। तो इस नेमत का शुक्र क्या है कि उस कैरियर को सामने रखें जो कैरियर है। ये क्या कैरियर है मियां? 30-35 साल पढ़ा कमाने के लिए, 30-35 साल पढ़ा कमाने के लिए, और फिर कमाना शुरू किया, 60-70 साल में पैसे इकट्ठे हुए, घर बनाने लगा, और चंद सालों के बाद रवाना हो गया। ये कैरियर है। 30-35 साल पढ़ा सिर्फ कमाने के लिए, बकिया 30-35 साल पैसे इकट्ठे किए, अब बड़े अरमानों से घर बनाने निकला। अरे मियां कितने अरसे उस घर में रहा। ये कैरियर है। कोई नादान ही होगा जो इसे कैरियर समझेगा भाई। और फिर इसी सिस्टम पे बच्चों को भी कर बेटा कैरियर बन जाएगा। यानी क्या मतलब, तू भी 30-35 साल पढ़ कमाने के लिए, और फिर कमाना और फिर बनाना और फिर रवाना हो जाना, ये कैरियर है। क्या ये सच नहीं है? ऐसा नहीं हो रहा क्या? ऐसा ही तो हो रहा है। अरे मेरे अजीजो, कैरियर हुआ है, इसलिए कुछ नहीं जाता। अच्छा कमाते के साथ, अच्छे खाते के साथ, अच्छी रहाइश के साथ कुछ नहीं जाता। मैं अपने अल्लाह को भी राजी करता रहूं, क्या ये अच्छा है? मैं जब मैं हलाल कमाने निकलूं तो सुबह अल्लाह की बंदगी करके निकलूं ना, क्या ये अच्छा है कि मैं जब मैं कमा रहा हूं तो अपने अल्लाह को भी सामने रखूं ना। पर भाई गलती तो मुझसे होती है, सभी से होती है। रात को सोने से पहले थोड़ी देर अल्लाह से कह दे, मौला बड़ा ही कमजोर हूं, बड़ा ही नालायक हूं, माफ कर देना, थोड़ा उसको मना ले। वो तो ऐसा जात है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाया करते थे, मेरा बंदा माफी करते नहीं थकता, अल्लाह माफ करते नहीं थकता। ये ऐसी जात है वो तो भाई, वो हमारे कसूरों को भी जानता है, हमारे कमजोरियों से भी जानता है। मेरा बंदा फिर गलती कर लेगा, हम बस औकात अल्लाह से माफी नहीं मांगते, और इसलिए नहीं मांगते कि फिर गलत करना है। तो मियां कभी ऐसा भी हो, खाना इसलिए नहीं खाते कि फिर भूख लग जाएगी, पानी इसलिए नहीं पीते कि फिर प्यास लग जाएगी, कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि फिर गंदे हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को समझाते हैं, भूख लग जाएगी फिर खा लेंगे, प्यास लग जाएगी फिर पी लेंगे, कपड़े खराब हो गए फिर पहन लेंगे। तो मेरे अजीजो, तौबा कर लिया करें, रात को सोने से पहले माफी मांग लिया करें। गलती हो जाएगी ना, फिर कह दें, फिर माफी मांग लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे, और फिर माफी मांग लेंगे। और मेरे अजीजों, जो माफी नहीं छोड़ता, अल्लाह दो चीजों में से उसे एक चीज जरूर देता है, या तो अल्लाह उसको उस गंदगी से और गुनाहों की नहूसतों से ही महफूज फरमा देता है। और अगर गंदगी और गुनाह होती भी रहे, एक दिन के गुनाह होंगे ना भाई, रोज रात को मना लेते हैं ना मौला को, एक दिन के गुनाह मौला वैसे ही माफ फरमा दे। कैरियर बनाने का इससे आसान नुस्खा नहीं होता भाई, कैरियर बनाने का इससे आसान नुस्खा नहीं होता। फजर पढ़े, फजर पढ़े एक रुकू, चंद आयात रोज कुरान की तिलावत करें, चंद आयात। मैं नहीं कह रहा आप सिपारा पढ़े आदर्श, चंद आयात पढ़ लें। फजर पढ़े, चंद आयात कुरान की तिलावत कर ले, और दिन ऐसा गुजारे, दिन ऐसा गुजारे मेरी जात से किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये कम से कम दर्जे की इंसानियत है, ये कम से कम दर्जे के अखलाक है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जात से किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। नमाज
थोड़ी सी कुरान की तिलावत, थोड़ी सी कुरान की तिलावत, इतना दर्जे की इंसानियत के मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं। बिच्छू तो नहीं है ना भाई, कीड़ा तो नहीं है ना भाई कि किसी को तकलीफ ही हो, डंग ही लगे, जुल्मी हो, कम से कम दर्जे का अखलाक मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं। चौथी चीज, फिर भी गलती हो जाएगी, हम बड़े कमजोर लोग हैं, रात को सोने से पहले अपने अल्लाह से माफी तलाफी कर ले, रात को सोने से पहले माफी तलाफी कर ले। मेरे अजीजो, उम्मीद है खरबों साल का करियर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। और कसम खुदा की, सच कह रहा हूं, कुरान हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, अपने बड़ों से कहा सुना कह रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, जिस शख्स का कल की जिंदगी की कैरियर अच्छा बन रहा होता है दुनिया में, उसकी निशानी क्या है? जिसका कल कैरियर अच्छा बन रहा होता है दुनिया में, उसकी निशानी क्या है? दुनिया में उसकी निशानी यह कि अल्लाह उसे दो नेमतें देता है, एक सुकून देता है, दूसरा उसे घरों में, खानदानों में मोहब्बतों की जिंदगी नसीब फरमाता है। और आज दुनिया में दोनों नायाब है, न मोहब्बतें हैं, न उल्फतें हैं, और न सुकून। जिसका वो कैरियर बन रहा होता है दुनिया में, यह नाम देता है अल्लाह, इत्मीनान देता है, सुकून देता है, और साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बतों की जिंदगी नसीब फरमाता है। तो भाई अल्लाह हम सबको दुनिया में भी मोहब्बत और उल्फत और सुकून की जिंदगी दे, और खरबों साल के करियर हम सबका अच्छा फरमा दे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم या अरहमर रहीमीन। मेरे इन भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, अजीज़ों ने जिस मोहब्बत से बुलाया और जिस मोहब्बत से बात सुनी, सभी को दुनिया आखिरत की खुशियाँ, इज़्ज़तें, सआदतें नसीब फरमा। या अरहमर रहीमीन हम सबको अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा, अपनी कल पसंद की मौत नसीब फरमा, कलमे वाला जीना अता फरमा, करने वाला करने कलमे के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। या अरहमर रहीमीन हमारे भाई मुइज़, इनके वालिद सलीम साहब मरहूम, ए अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमा और हमेशा उनकी औलाद को उनके लिए नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, और इन्हें अपनी नेकियों में हमेशा अपने वालिद मोहतरम को याद रखने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर रहीमीन उनकी कमियां कोताहियां अपनी रहमत से माफ़ फरमा, हमारी औलादों को भी मौला हमारा भी और अपना भी फरमा बरदार बना, औलादों के आजमाइशों से, नाफरमानियों से महफूज फरमा, हमें अपने बच्चे बच्चियों की सही नहज पे तरबियत की, तरबियत के, तालीम के फैसले करने की तौफीक अता फरमा, हमारी औलादों को हमारी राहत का और सुकून का और सदका जारिया बना। या अरहमर रहीमीन दुनिया आखरत को सामने रखकर अपने बच्चे बच्चियों के फैसले करने की हमें समझ बूझ और हमारे लिए आसान फरमा। या अरहमर रहीमीन तमाम हाजरीन को ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, हलाल रिस्क अता फरमा, बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा, हराम से हमेशा महफूज फरमा, हादिसात सानिहात से महफूज फरमा, बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे हालात से महफूज फरमा। या अरहमर रहीमीन नेमतें देने के बाद छिन जाने से महफूज फरमा, इज्जत के बाद दिल्लत से महफूज फरमा, परेशानियों के ऐ अल्लाह आफियत के बाद, सुकून के बाद, हर किस्म की परेशानियों से, बेसुकूनी से महफूज फरमा। या अरहमर रहीमीन सेहत के बाद मूजी अमराज से, अस्पतालों की ज़िंदगी से महफूज फरमा, अचानक मौतों से महफूज फरमा, अचानक हलाकत से महफूज फरमा। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा।
और जिन बातों का हमने तस्करा किया, ऐ मौला मुझे भी और हमारे भाइयों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला हमारी जिंदगी का, हमारे दिनों का आगाज, हमारी सुबह का आगाज अपनी बंदगी के साथ, अपने कुरान की तिलावत के साथ हमें तौफीक अता फरमा। ऐ मौला हमेशा हमें तौबा ताइब के साथ जिंदगी अता फरमा। हर गुनाह से और गुनाह पे इसरार से और गुनाह पे फख्र से और गुनाह की ए अल्लाह नहुसतों से हमेशा हमें महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन अपने फजल से जितने हाजरीन मौजूद हैं सभी की मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, आफियत वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौलाए करीम सारी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, हमारे मुल्क पर रहम फरमा, इसे मौला सलामती अता फरमा, इसे इस्तेहकाम नसीब फरमा, इसे रूहानी ज़ाहरी बातनी तरक्की अता फरमा। ए मौला यहाँ रहने वालों में बाहमी इत्तेफाक नसीब फरमा, यहाँ नेकी की और खैर की और तामीर की जितनी कुव्वतें हैं उन्हें गलबा नसीब फरमा, शर की और बुराई की और तखरीब की जितनी ताकतें हैं उन्हें नेस्तो नाबूद फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हमारे शहर पर रहम फरमा, सारी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। मौला मुसलमानों में ईमानी इस्लामी अखुव्वत को जिंदा फरमा, इस्लामी भाईचारा आम फरमा, हमें नफरतों की तमाम शक्लों से अपने फजल से महफूज फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب।